बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल HKM फैंसी पोल्ट्री पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे कि हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो आज हमने सोचा कि काफ़ी दोस्त जो प्रॉब्लम में हैं, जिनके बर्ड जो हैं नज़ला ज़ुकाम और रेशे की वजह से अपसेट हो गए हैं और वो खुद भी अपसेट हैं इस परेशानी की वजह से, तो आज हमने सोचा कि दोस्तों को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करें और उनको बताएं कि उनके बर्ड्स का क्या ट्रीटमेंट है। तो हम चलते हैं उधर बर्ड्स की तरफ, आपको अपने बर्ड्स भी दिखाते हैं। हमने अपना सेटअप चेंज किया है, तो कल भी हम वीडियो अपलोड करने लगे थे मगर कुछ टाइम नहीं मिल सका। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि हमने सेटअप दूसरी जगह पर लेके आए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा सेटअप मुकम्मल हो जाता है तो आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे। और आज हम आपको बर्ड्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, ज़ुकाम रेशा और आँखों से पानी बहना, इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे पास नॉलेज है, हम चाहते हैं कि सब दोस्तों के पास वो पहुँचे और दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करें दोस्तों से, ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो। और मेरे चैनल को कोशिश करके सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं बाहर और बाहर आपको दिखाते हैं बर्ड्स भी अपने, और साथ में आपको मुकम्मल मालूमात भी प्राप्त करते हैं और कौन कौन सी मेडिसन, ये हमारे पास सारी मुकम्मल हम कल मेडिसन लेके आए हैं और इनमें से कौन कौन सी हमारी इस्तेमाल में है इस प्रॉब्लम के लिए, वो हम आपको अभी शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, हम बाहर आ गए हैं अपने इधर सेटअप पर, तो हम आपसे शेयरिंग करना चाह रहे हैं कि ये जो जगह हमने नई सेलेक्ट की है। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ मालूमात आपको फ्राहम कर दें कि अगर आपकी मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है और अपने पर ढीले छोड़ देती हैं और पाँव सोच समझ कर रखती हैं, कभी एक साइड पर गिर जाती हैं, कभी एक साइड पर गिर जाती हैं, तो उनके गले से हर हर की आवाज़ें भी आती हैं और बहुत ही सुस्त हो जाती हैं, तो इस सारे मामले की जो वजह होती है कि ये थोड़ा सा मौसम सर्द गर्म होना, उस वजह से ये मामलात होते हैं। और इन मामलात में आके बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है और कभी फौरन ही जो है ना वो धूप निकल आती है और सख्त धूप होती है, तो इस मामले में जो है ना बर्ड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कुछ जो है ना हम जो नए बर्ड्स ले कर आते हैं वो बर्ड जो हैं दूसरी जगह से आते हैं और कोई ना कोई वायरस साथ अपने ले आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होती हैं जिनकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। और ज़्यादा मसला जो है मौसम का सर्द गर्म होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम आपको शेयर करते हैं कि आपने इनका इलाज किस तरह करना है। आप इसको मुकम्मल वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम बताएँगे आपको कि इनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और कितने दिन के लिए यूज़ करनी है। तो दोस्तों, हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि इनको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। जब आपके बर्ड ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से ना यही मसला होता है कि इनकी आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और मुँह से लेसदार मवाद जो है ना वो खारिज होता है। इस सारे मसले का हल यही है, एक है कि इसके लिए आप ये मेडिसिन यूज़ करें। सबसे पहले नंबर पर इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे एरिनेक सिरप। जैसे कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है एरिनेक सिरप, ये आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर एरिनेक सिरप, दूसरे नंबर पर पैनाडोल सिरप, ये क्लोज करके दिखाएं जी। पैनाडोल सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पर पल्मानोल सिरप, ठीक हो गया जी। ये तीन सिरप आपने एक एक सीसी सुबह और एक सीसी आपने शाम को उन बर्ड्स को देने हैं जिनके गले से हर हर की आवाज़ आती है और आंखों से पानी बहता है और मुंह से लेसदार मवाद निकलता है और साथ में इनको बुखार भी हो जाता है। बुखार होना लाजम है, जब ये प्रॉब्लम आती है तो बुखार हो जाता है। और सबसे पहली बात होती है कि बुखार को कम करना जो है ना वो सबसे
मेन इशू होता है कि उसको बुखार को हम कम करें। बुखार अगर कम नहीं होगा तो जानवर जो है ना वो निडाल हो जाएगा, बकरी हो, गाय हो या ये मुर्गी हो, इसका बुखार, इंसान में भी ऐसा ही मसला है कि अगर इसका बुखार ना टूटे तो वो निडाल हो जाता है। तो ये तीनों सिरप जो है ना आपने, ये इंसुलिन वाली सिरिंज है, ये मैं जैसा कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है जी। इसके साथ एक शीशी, ये पूरी एक शीशी की सिरिंज होती है पूरी, इसको फुल भर के आपने, ठीक है, और मुर्गी के गले में आपने उतार देनी है, ठीक है। एक ये सिरिंज है और एक सिरिंज ये होती है जिसके आगे नीडल लगी होती है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकूँ, ये नीडल वाली सिरिंज है, नीडल वाली सिरिंज नहीं यूज़ करनी, विदाउट नीडल जो है वो सिरिंज आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपने तीन दिन तक इनको जो है ना ये आपने मेडिसिन देनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से आपके बर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर बर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है या कोई मसला रह जाता है तो आप तीन दिन से पाँच दिन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर की पूरी उम्मीद है कि आपके बर्ड्स बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। सिर्फ उनको सर्दी और गर्मी के माहौल में उसको एडजस्ट करें कि किस तरह उसको करना है, और ज़्यादा गर्मी में ना रखें ताकि इनको हीट स्ट्रोक ना हो, कि जितनी गर्मी है गर्मी की वजह से भी बर्ड जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ बर्ड बाहर से लाने की वजह से भी बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम दूसरे पुराने बर्ड के साथ छोड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम में वो भी आ जाते हैं। असल में होता है कोई ना कोई वायरस बाहर से बर्ड ले आता है और सारे का सारा फ्लॉक आपका जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जो बाहर से बर्ड लाएँ उसको तीन चार दिन के लिए सेपरेट रखें, और उसके बाद जो ना आप बर्ड्स के साथ उसको छोड़ें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आखिरी जो बहुत लाजमी बात थी, जो कि बर्ड सोकड़े की तरफ चले जाते हैं और उनके सीने की हड्डी बाहर निकल आती है और बहुत प्रॉब्लम में हो जाते हैं। क्यों होता है ये सारा मामला, कि बर्ड्स को अच्छी तरह खुराक मुहैया नहीं होती और पीने के लिए साफ़ पानी भी मुहैया नहीं होता, और कुछ बीमारियों से गुजरा होता है जिसकी वजह से वो सोखड़े की तरफ चला जाता है। उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे जेडीवार सिरप। ये देखें जी, जेडीवार सिरप है ये आपने एक सीसी इसको दिन में लाजमी देना है। जो आपका बर्ड सोखड़े की तरफ चला गया है उसको एक सीसी सिरप आपने लाजमी देना है, और कम से कम इसको एक हफ्ता या 10 दिन लाजमी देना है आपने एक सीसी सिरप जेडीवार का, और उसी तरीके से ये भी देना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर की पूरी उम्मीद है उसके फजल से ये आपके बर्ड सोकड़े से बाहर निकल आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक छोटा सा। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी मालूमात है हम इसको पहले प्रैक्टिकल करते हैं, पहले ख़ुद इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर दोस्तों से शेयर करते हैं। तो आप दोस्तों से आगे इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। फ़ी अमानुल्लाह।